नासा वालों ने कहा उर्फी जी बहुत खतरनाक है। चुप, बिल्कुल चुप। आई मीन बहुत ही स्मार्ट है। हाँ जी, आ गए एक और वीडियो में अपने कीमती मिनट देने को। देने था आज की वीडियो जो इतनी खास है। आज की वीडियो हम जिसके ऊपर बना रहे हैं उसका नाम उर्फी जावेद। क्यों, जावेद सुन के हबीब समझे क्या? नहीं मेरी जान, ये हबीबी है। तो जावेद हबीब और उर्फी जावेद दोनों में थोड़ा थोड़ा, मतलब दोनों थोड़े थोड़े सेम है। कैसे? दोनों ही काटते हैं। जावेद अभी बाल काटना सिखाता है थूक से, और उर्फी जी आए हाय हाय कपड़े काटती बिना सूझबूझ के। वैसे उर्फी जी बिग बॉस की एक्स भी रह चुकी है। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? अरे वो वाली एक्स नहीं मेरी जान, एक्स बोले तो एक्स कंटेस्टेंट। और बोलते हैं ना, जो बिग बॉस में रह के नहीं नाम कमाता, बाहर आके मचाता, जैसे अपनी नोरा जी, उसके बाद नंबर है उर्फी जी का। तो आज हम डिस्कवर करेंगे उर्फी जी के फैशन सेंस को और देखते हैं उनकी कलाकारी। चलो भाई, डिस्क्लेमर 2.0, नए हो तो लाल वाला बटन दबा दो, पुराने हो नहीं दबाओ तो फिर भी दबा दो, क्योंकि एंड तक तो तुम पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए पहले बोलना पड़ता है। फैशन, अरे पहले इतनी जल्दी मार दिए फैशन को, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये इतना तैयार होके रोज जाती कहाँ है? सोशल मीडिया में मेरी जान, इतना सिंपल तो आंसर था, और खासकर वायरल भैया के पेज में। वही उर्फी जी का सबसे ज्यादा आना जाना है। उर्फी जी के फैंस उनसे ये नहीं कहते कि उर्फी जी रियल आईडी से आओ, बल्कि ये कहते कि उर्फी जी वायरल भैया के पेज में हफ्ते में एक दो बार तो दिख जाओ। यार आंटी जी ने क्या खा के पैदा किया, आप कितनी स्वीट हो। मीठा खा के पैदा किया था आंटी जी ने उर्फी जी को, तभी तो इतनी स्वीट है। लेकिन ब्रो, तुमको 101% बिना कुछ खाए बल्कि फोन लगा के पैदा किया था, नाम की जगह इतने नंबर। क्या तुम सच में हो प्लम्बर? गाइस मिला लेना इनका नंबर अगर कुछ खराब हो गया हो। नहीं हुआ हो तो फिर रहन दो। कैमरामैन बी लाइक, एक भी कोना नहीं चूटना चाहिए रे बाबा, सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक सब कुछ कैप्चर है। वैसे कोई कोना नहीं छूटा है, लेकिन फिर भी ये उर्फी जी थोड़ा साइड, उर्फी जी थोड़ा साइड, उर्फी जी थोड़ा साइड। अरे भैया पूरा क्या कैमरे के अंदर कैद करके ले जाओगे? सो गया बचपन से। मित्रों, उर्फी जी के फैशन के पीछे की ये थ्योरी है। सॉरी चाहता हूँ मेम के लिए, लेकिन क्या करूँ, अपने जोक से नहीं कर पाते इसलिए मेम लगा के हंसाता। हाँ तो उर्फी जी के फैशन के पीछे की ये थ्योरी है कि कोई थ्योरी नहीं है। क्योंकि उर्फी जी ने अपने दर्जी को कभी दर्जा ही नहीं दिया, इसलिए उनके दर्जी ने उनके सभी ड्रेस को ऐसे सिल दिया। Do you do on those days that you don't feel that confident or fearless or... अच्छा सिल दिया तूने मेरे ड्रेस को, अच्छा सिल दिया तूने मेरे ड्रेस को। अब पागल दर्जी, तुम किस बात से डिप्रेस हो? पैसा कम आ रहा है कि उर्फी जी का फैशन बहुत आगे जा रहा है? बताओ। मेरी जान, मैं उर्फी जी से बहुत रिलेट कर सकता हूँ, बताऊँ कैसे? हमारे घर वाले कपड़ों के प्रति बहुत भावुक हैं। 5 से 6 साल तक कपड़ों को रखा जाता है, जब तक कपड़े फट नहीं जाते साला तब तक हमें पहनाते, और कपड़े जब फट भी जाते तब भी उन्हें फेंकने नहीं जाते, बल्कि उसका पोछा बनाते, उससे पोछा लगाते, और जब कपड़ा घस घस के कपड़ा कहलाने के लायक नहीं रह जाता तब उसे फेंका जाता। अब तुम बोलोगे कि अरे यार बदनाम, इससे तू उर्फी जी से कैसे रिलेट कर सकता है? तो मेरी जान, कहानी दोनों सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है कि हमारे घर में जब कपड़े को पोछा बनाते उससे पोछा लगाते हैं, तो उर्फी जी पोछे को पहन के आती हैं, घूमने निकल जाती है, और कोई कैमरामैन उनको कैप्चर कर ले जाता है, और वीडियो को रील में डालते टाइम कैप्शन में उर्फी जी न्यू फैशन लुक लिख जाता है। दोस्तों मेरी जान एक बात बताओ, तुम किसी के फैन हो या होगे तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? फैन तो हवा दोगे? नहीं, चांद तारे तोड़ लाओगे, वो भी नहीं हो सकता, तो क्या कर सकते हो? कोई गिफ्ट दे सकते हो या कुछ भी? कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन यहाँ बात उर्फी जी की है, फिर तो मामला कुछ अलग है। तो उर्फी जी के फैन ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि जिसको देखने के बाद तुम बोलोगे गुटखा लवर, फूंक दिया।
बोलो जुबा केसरी, गुटखा थूक दिया? गुटखा थूकना तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा लेकिन ऐसा नहीं है मेरी जान। गुटखा खाने वाले से पूछो। मैं नहीं कहता, मेरे दोस्त यार खाते तो बताते हैं कि गुटखा खाने वाले आदमी के सामने तुम बिरयानी भी रख लो तो उसका गुटखा जब तक खत्म नहीं हो जाता कोई भी बिरयानी को हाथ नहीं लगाता। यहाँ बात तो उर्फी जी की थी, फिर गुलाब के सामने केसर की क्या औकात? हम उल्टा उल्टा गिरो मत, गिरो मत, गिरो मत, ऐसे बोलो जैसे मेरे हाथ में है। अबे बड़ा बकलोल टच बोलते हो बे उर्फी जी, छोटी बच्ची है क्या? गिरो मत बोल रही, उनके हाथ में है क्या? बल्कि गलती उनके पैर में, सॉरी हाई हील्स की है गलती। ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है माना सारी तेरी, हाँ हील्स की गलती है। ये तो बता तू है कौन, कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी? पागल लड़की मुझे मरवाएगी? अगली बार बता जल्दी वायरल बयान के पेज में कब आएगी? बहुत तेज हो रहा है, है? बहुत तेज। वैलेंटाइंस डे किस तरह से आपने सेलिब्रेट? मैं घर पे वाइन पी रही थी एंड आई फिनिश्ड टू बॉटल्स। ओ फाइनली, इतना माथा पच्ची करने के बाद अब समझ आया कि उर्फी जी के पास इतना टैलेंट कहाँ से आया। सब दो बोतल का कमाल, अच्छे सिर्फ दो बोतल, अगर चार बोतल होती तो कलाकारी तो और निखर के आती, लेकिन दो ही बहुत है भैया। दो ही में समझ नहीं आ रहा कि इनके कपड़े को पहने कैसे, वो तो उर्फी जी ने बनाया इसलिए जैसे तैसे पहन ली, और साला कोई और पहनने जाएगी हो तो क्या नागिन के जैसे लिपट जाएगी, और एकता कपूर उसको नागिन के नेक्स्ट सीजन में कास्ट करके ले जाएगी। स्कूल में लड़के मुझसे दूर भागते थे यार, नो वन वाज इंटरेस्टेड इन मी, आई डोंट नो व्हाई। वो ऐसा है ना उर्फी जी, लड़के तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे पर वो डरते थे तुम्हारे फैशन सेंस को देख के। उन्हें लगता था कि तुम उनके कपड़े को काट पीट के करना तो कलाकारी, अब बेचारे को स्कूल बॉय से बनाना तो भिखारी। हाँ जी मेरी जान, तो हमें उर्फी जी से कोई हेट नहीं बल्कि मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, उनके काम को भी, बहुत अच्छा काम है उनका। ये वीडियो बस कॉमेडी के लिए बनाई गई थी तो इसे कॉमेडी की तरह ही ले, किसी को जाके हेट मत दे। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक करो इंतजार इस वीडियो को, दो अपना प्यार, खास कर लाइक का बटन दबा देना, कमेंट कर देना। भाई तुम करते नहीं हो, मेरे लिए तो कर दो, मुझे तो अच्छा लगे कि हाँ मेरी ऑडियंस कमेंट कर रही है, लिख रही, जो भी लिख दो लेकिन लिख जाओ। और लाल वाला दबा देना नया हो तो, अब पुराने हो तो दबा दो बे, थोड़ा सा एहसान मेरे ऊपर भी कर लो। तो मिलते हैं अगली बार, जय श्री राम।